हाँ जी, सत श्री अकाल टेकलावर्स। फेस्टिवल सीजन शुरू होने जा रहा है तो कंपनी जानदियां हैं कि इस सीजन विच लोग बहुत शॉपिंग करते हैं। केड़ी कंपनी है जो मौके का फायदा चक के प्रॉफिट नहीं कमाना चाहूगी? सो इस मंथ विच सैमसंग, वीवो, ओप्पो, श्योमी ते मोटरोला दे नाल नाल एप्पल, जियो ते इत्थों तक के गूगल भी अपना फोन लैके मुकाबले विच उतर रहा है। इस वीडियो विच आपां लॉन्च डेट वाइज फोन्स की गल करांगे। लिस्ट शुरू करन तो पहला तुहानू दस दईए कि वीडियो दे एंड विच तुहाडे लई एक बहुत इंपोर्टेंट मैसेज है जो इन्हां स्मार्टफोन लॉन्चिज तो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो प्लीज़ वो मैसेज सुन के जायो। महीने की शुरुआत विच जेड़ा फोन सब तो पहला लॉन्च होन जा रहा है वो है रेडमी 10 प्राइम, जो हीलियो G88 प्रोसैसर के नाल 50 मेगापिक्सल का क्यूट कैमरा सैटअप ते 5000 mAh की बैटरी लैके आ रहा है। लगभग 11000 की रेंज वाला यह स्मार्टफोन 3 सितंबर नू लॉन्च होन जा रहा है। इस तो अगला स्मार्टफोन वो है जो इंडिया के बाहर तो काफ़ी पहला लॉन्च हो गया है पर इंडिया विच इहदी हजे भी वेट हो रही है। वो है एसूस 8G फ्लिप नहीं 8G। जेड़े लोग थोड़े जे छोटे साइज़ का बट फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस वाला फोन लभ रहे हैं, ये फोन उन्होंने बहुत वधिया ऑप्शन हो सकता है। 10 to 15 सितंबर के लॉन्च होने वाला ये फोन 30,000 तो उपर के प्राइस टैग नाल मार्केट में आऊगा। नैक्सट रियलमी की गल करिए, एक तो कन्फर्म है रियलमी 8S जो नवे डायमेंसिटी 810 प्रोसैसर के नाल आ रहा है। 5G कनैक्टिविटी वाला ये फोन 16-17 हज़ार के प्राइस विच मिड सपटेंबर लॉन्च हो सकता है। इस तो इलावा रियलमी 9 सीरीज़ के कुछ फोन पिछले 3-4 महीने पहला तो BIS की साइट पर लिस्टड हो चुके हैं। नॉर्मली ये साइट पर लिस्ट होने तो 20-25 दिन बाद ही फोन लॉन्च हो जाते हैं बट ये हजे तक नहीं हुए। स्ट्रोंगली चांसिज हैं कि ये फेस्टिवल सीजन विच लॉन्च कर दिते जाएंगे। हुण लिस्ट विच वधदे हाँ सैमसंग वल। इन्हां दे फोन्स जे टाइम ते लॉन्च हो जाण तां इह एक वार फिर शोमी तो अगे निकल सकदे हन, पर पता नहीं सैमसंग वाले करदे की पए आ। आ जवां बेकार फोन M32 5G लॉन्च करता वह भी 21,000 दा। वैसे कुछ वधिया फोन्स भी आ रहे हन सैमसंग दे। शानदार फीचर्स वाला सैमसंग S21 FE फैन ऑडिशन एक ग्लोबली ऐसे महीने लॉन्च हो रहा है, मे बी इंडिया विच भी नाल दी नाल ही आ जाए। इस तो अलावा A52 5G ते M52 5G ये दोनों भी लॉन्च हो सकते ने ऐसे महीने। लिस्ट का नैक्सट फोन है मोटरोला Edge 20 Pro। ग्लोबल लेवल ते 3 फोन लॉन्च होए सन जिन्ना चो Edge 20 ते Edge 20 Fusion इंडिया विच लॉन्च हो गए सन। होपफुली जबरदस्त फ्लैगशिप परफॉर्मेंस वाला ये फोन 30,000 प्लस दी प्राइस ते मिड सितंबर तक आ जाऊगा। हुण गल करदे हाँ वीवो दी, तां वीवो अपनी X70 सीरीज़ लैके आ रहा है जो चाइना विच ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। डायमेंसिटी 1200 प्रोसैसर 120K रिफ्रैश रेट वाला ये स्मार्टफोन 40,000 तो उपर दे प्राइस ते मिड सितंबर विच लॉन्च हो सकता है। वीवो की गल की है तो लगे हाथ हूँ आईकू की भी गल कर लीए जो वीवो का ही सब ब्रांड है। IQ 8 सीरीज़ इंडिया विच लॉन्च होने के रूमरस आ रहे हैं। 120Hz रिफ्रैश रेट, 120W फास्ट चार्जर, स्नैपड्रैगन 888 प्रोसैसर वाला ये फोन 50,000 की रेंज तक मेरे हिसाब नाल ऐसे महीने एंड तो पहला लॉन्च हो जाना चाहिए है। र्यूमरस आ रहे हैं कि ऐसे महीने माइक्रोमैक्स अपना इन नोट 1 Pro लॉन्च कर सकता है। जे तुसी 13,000 की रेंज विच पावरफुल प्रोसैसर वाले फोन की वेट कर रहे हो तो तुसी इस फोन लई मिड सितंबर तक रुक सकते हो। हुण रह कौन गया? ओप्पो। हाँ जी, ओप्पो किवें पिछे रह सकता है? ओप्पो वाले भी अपनी F19 सीरीज़ लैके आ रहे हैं जो लोग 17-18 हज़ार के बजट विच एक शानदार कैमरा ते वधिया स्क्रीन एक्सपीरियंस वाला फोन चाहते हैं तो वह मिड सितंबर तक इसकी वेट कर सकते हैं। तो हुण आ रहा है साल का सब तो तगड़ा इवेंट, ग्लोबल आईफोन 13 लॉन्च इवेंट। इस इवेंट विच एप्पल दे 4 फोन आईफोन 13, 13 मिनी, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स लॉन्च किए जाएंगे।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ 3rd ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਗੂਗਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੂਗਲ ਪਿਕਸਲ 6 ਤੇ ਪਿਕਸਲ 6 ਪ੍ਰੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਕਚਰਸ ਐਂਡ ਕੈਮਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਲੈਵਲ ਦਾ AI ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਤਗੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੱਕਰ 'ਚ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਗੂਗਲ ਜਾਂ ਐਪਲ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦੇਸ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜੀਓ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਹਥਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਫੋਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਮਾਂ ਜੀਓ ਤੋਂ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜੀਓ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ? ਡਟੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।